मैं भारत को, जवान को बोल रहा हूँ, युवा को बोल रहा हूँ, यार हमें खतरा किसी से है? सचो भारत भाई, हमें खतरा मुसलमान से अब है? रोज की जिंदगी में हमारे मुसलमान का कोई रिश्ता भी नहीं है, हमें रोज खतरा है किसी से, बलात्कारी से खतरा है, जब डॉक्टर अस्पताल जाते हैं डॉक्टर से खतरा है, मगर डॉक्टर उनको फेंक लौटा देते हैं, ऑपरेशन के लिए पैसा मांगते हैं, नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग करते हैं, हमें खतरा है नेता से, क्यों ना सारी रोड की पैसा खा देते हैं, कोई मुसलमान में नहीं हो सकता है? भारत में कई जगह में मुसलमान हिंदुओं को खतरा है, हिंदू को मुसलमान से खतरा हो सकता है किस जगह में, मगर हर जगह में मैं सोचता हूँ 99% में कोई खतरा नहीं है, कोई कहीं पर 1% होगा। फिर दूसरा बात है, मुसलमान मुसलमान इतना खतरा है तो बीजेपी में गुलाम नबी आजादी क्या कर रहा है, नजमा हेपतुल्ला क्या कर रहा है, वो कैसे मंत्री बन के बैठे हैं, जो हम जो बोल झूठ में यार, जो हमारा कौन है सुब्रमण्यम स्वामी, वो ज्यादा बोलता है मुसलमान के खिलाफ, तो उसका लड़की ने कैसे शादी की मुसलमान से, इन लोग शादी करेंगे मुसलमान से, प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद का हेड, उसका बहन ने शादी की मुसलमान से, हमें खतरा है मुसलमान से, उनको उन्होंने रिश्ता बनाएंगे मुसलमान से, मगर खतरा हमें है, समझो, हमें खतरा है नेताओं से, हमें खतरा है जो कॉलेज लेक्चर से, हमें खतरा है स्कूल टीचर से, क्यों ना वो क्यों खतरा है, वो उनको बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं सरकारी में, उनको बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, हमें इनसे खतरा है, और हमें खतरा है इंजीनियर से, पैसा लूट के खाते हैं, हमें खतरा है रास्ते में जो जाते हैं बड़े बड़े ट्रक से, वो हमको चढ़ा के चला जाते हैं, तो खतरा हम इन लोगों से है, रास्ता में जब आते हैं जो नेता लोगों की जो गुंडे होते हैं क्रिमिनल, उनसे खतरा है, वो कभी हत्या कर देते हैं, हमें खतरा है बिजनेसमैन से, 10 रुपया की आलू को 20 रुपये लेते हैं, हमें खतरा है अडानी अंबानी से, क्यों ना 149 रुपया डालो फोन में जो जियो सिम में वो रिचार्ज नहीं होता है, हमें खतरा में है कभी 20 रुपया डाले हैं वो कभी कट जाता है, ये सब खतरा है, हमें खतरा है को ये वकील से तो न्याय हमको नहीं मिलता है, हमें खतरा है पुलिस से, समझे नहीं, हमें मुसलमान से खतरा नहीं, चाहे पुलिस मुसलमान पुलिस हो कि हिंदू पुलिस हो, हमें खतरा है पुलिस से, वो घूस लेते हैं हम हर आदमी से 500,000 रुपया 5,000-10,000 रुपया लेते हैं, हम खतरा इन लोगों से, भारत के जवानों कोई मुसलमान से हिंदू से खतरा नहीं है, ये झूठ में बोलते हैं, क्यों ना इन लोग रिश्ता बनाते हैं मुसलमान के साथ, और हमें बोलते हैं लव जिहाद, हम प्यार करें लव जिहाद, उन प्यार करें शादी करें कोई जिहाद नहीं, सोचो यार देशभक्त क्या, कौन देशभक्त है।